कुरुम्बाची पहाड़ियाँ, चेरडू पालक्काड केरल से 6 किलोमीटर दूर है और यह एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है। केरल वन विभाग ने पहले से ही पर्यटकों को ट्रैकिंग में जोखिम के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि पहाड़ की ढलान बहुत ही खड़ी है। 23 साल के आर बाबू और उनके दोस्त 7 फरवरी 2022 की सुबह कुरुम्बाची की पहाड़ियों पर चढ़े। शिखर पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने नीचे की ओर उतरना शुरू किया तो आर बाबू फिसल कर गिर गया। पहाड़ से गिरने के बजाय वह पहाड़ी में एक छोटी सी दरार में गिर पड़ा। पहाड़ी की ढलान खड़ी होने के कारण कोई रास्ता नहीं था। एक छोर पर विशाल घाटी थी और बाबू छोटी सी कंठ में फंसा हुआ था। बाबू के दोस्तों ने लाठी और रस्सियों के इस्तेमाल से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे छुड़ा नहीं पाए। फिर वे पहाड़ी से नीचे उतरे और पुलिस को बाबू की स्थिति के बारे में सूचित किया। केरल फायर और रेस्क्यू की एक यूनिट और पुलिस मौके पर पहुंची। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि बाबू को कैसे बचाया जाए, लेकिन पहाड़ बहुत ही सीधा था। फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाया, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि वह खड़ी पहाड़ी के करीब नहीं जा सका। इस वजह से हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। तभी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हस्तक्षेप किया और भारतीय सेना को आदेश दिया कि वे पर्वतारोहण में विशेषज्ञता वाली एक टीम भेजे। NDRF भी मौके पर पहुंची। हालांकि ये काम आसान नहीं था, बाबू के लिए बहुत मुश्किल था। वह 45 घंटे तक पहाड़ पर फंसा रहा। वो वाकई खतरनाक था। केरल पुलिस और अग्निशमक दल पहाड़ की तलहटी पर इंतजार कर रहे थे। शाम को जब वे बचाव के उपाय खोज रहे थे, तब टीम ने रात में जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए मशाले जलाई। सात और आठ फरवरी को 2 दिनों तक बचाव अभियान चला। ये बहुत ही कठिन काम था। जब सेना मौके पर पहुंची तो उन्होंने एक विशेष ड्रोन का इस्तेमाल वीडियो लेने और उस पहाड़ी के इलाके को समझने के लिए किया जहां बाबू फंसा हुआ था। उन्होंने देखा कि बाबू पानी मांग रहा था। बुधवार 9 फरवरी 2022 की सुबह सेना ने मौके पर पहुंचने के लिए मोटी रस्सियों का इस्तेमाल किया और उसे पानी पिलाया। वह 45 घंटे बाद पानी पी रहा था। बाबू के परिवार के सदस्य और दोस्त उसे वापस लाने के लिए पहाड़ियों की तलहटी में जमा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब सेना ने उसे 45 घंटों के बाद पानी का पहला घूंट दिया तो उसने कृतज्ञतापूर्वक उसे निगल लिया। समाचार चैनलों ने कहा कि जब बाबू दरार में फंसा था तो उसे बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि दिन के समय भीषण और भयानक गर्मी थी और शाम को हवा और ठंडी हो जाती थी। उसके पास खाना और पानी नहीं था। सेना द्वारा पानी दिए जाने के बाद वे उसे रस्सी की मदद से ले गए और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। सुबह 9:30 बजे पहाड़ पर पहुंचे। अंत में वह बच गया और बाबू बहुत खुश हुआ। उसने सेना को धन्यवाद दिया और उनके चेहरे चूमे। इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बचाव अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए सेना को धन्यवाद दिया।